सो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको स्मार्ट स्पिन मॉप का एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ। स्पिन मॉप की बॉक्स कुछ इस तरह है, यहाँ पे आप एमआरपी देख सकते हैं। ये बॉक्स की दूसरी साइड और फ्रंट लुक कुछ इस तरह दिखने में लगता है। सो ये है स्पॉट जीरो का स्मार्ट स्पिन मॉप बाय मिल्टन। ये है मॉप की रिफिल और ये रहा मॉप डिस्क। स्टेनलेस स्टील की हैंडल दिया गया है जो आपको बाद में दिखाता हूँ। सो गाइस मॉप बकेट कुछ इस तरह दिखती है और यहाँ पे देखिए आप लोग स्पॉट जीरो ब्रांडिंग किया गया है और ये रहा नीचे की लुक। सो स्पॉट जीरो की ये स्मार्ट स्पिन मॉप आप लोगों को ग्रीन कलर में ही अवेलेबल मिलेगा और लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक बकेट हैंडल दिया गया है ताकि आप इस बकेट को कैरी कर सकें। और ये रहा इसकी ड्राइंग बास्केट, ये प्लास्टिक से बना हुआ है जिससे आप अपनी जो मॉप की रिफिल है उसे एकदम ड्राई कर सकते हैं। देखिए ये किस तरह से घूम रहा है और इस साइड में कुछ भी नहीं है, खाली है। और ये रहा इसकी वाटर आउटलेट कैप, इसको कुछ पुल करके आप लोगों को निकालना है। देखिए ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल रबर से बना हुआ है ये वाला। और इस होल में इस रबर कैप को कुछ प्रेस करके यहाँ पे फिट करना है। सो गाइस ये बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, देखिए ये आसानी से टूटेगा नहीं। अगर ये हार्ड होता तो मेरे ऐसे प्रेस करने से ये एकदम से फट जाता, आप देखिए यहाँ पे। और ये रहा मॉप डिस्क, ये भी पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है जो कि सॉफ्ट है। सो इसका जो हैंडल है ये 360 डिग्री तक मूवमेंट करेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एकदम 360 डिग्री कैसे घूमता है, देखिए। सो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये रहा इसकी मॉप रिफिल। सो एक रिफिल यहाँ पे आप लोगों को फ्री मिलेगा इसके साथ, आप देखिए। सो इस मटेरियल को माइक्रोफाइबर बोला जाता है और ये काफ़ी लाइट वेट है। सो इस रिफिल को इसमें फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये एकदम आसान है, इसे ऐसे प्रेस करने से ये फिट हो जाता है, देखिए ये कैसे फिट हो गया। और इसे निकालने के लिए आप लोगों को सिर्फ थोड़ा खींचना है बाहर, देखिए ये अभी कैसे खुल गया है। सो मॉप की हैंडल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट पार्ट, स्टेनलेस स्टील से बना है ये, ये देखिए अंदर एकदम खाली है। और पीछे यहाँ पे टांगने के लिए एक होल किया गया है। और ये है सेकेंड पार्ट, ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, यहाँ पे एक लॉक दिया गया है हैंडल को बड़ा या छोटा करने के लिए। सो इस हैंडल को बड़ा करने के लिए देखिए इस वाले लॉक को कुछ इस तरह से खोलना है, उसके बाद ये बड़ा होगा और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। सो हैंडल की एक तरफ थ्रेड और एक तरफ देखिए ये एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट वाले जो पार्ट है उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिट करना है, यहाँ पे थ्रेड दिया गया है, देखिए ये अभी फिट हो गया है। और इसे सिंपली खोलने के लिए आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ये देखिए ये कैसे खुल गया है अभी। और थर्ड पार्ट जो है मॉप डिस्क, उसको यहाँ पे फिट करना है, देखिए मॉप डिस्क के ऊपर एक प्लास्टिक का बोल्ट बना हुआ है, इसे आपको इस तरह से खोलना है। सो इस वाले बोल्ट को पाइप के अंदर कुछ इस तरह से डालना है, उसके बाद ये जो डिस्क है इसे यहाँ पे घुसाने के बाद देखिए ये वाला जो बोल्ट है इसे आप कस दीजिए और ये एकदम फिट हो जाएगा। देखिए ये अभी घूम नहीं रहा है क्योंकि ये लॉक पोजीशन में है अभी। फ्लोर क्लीन करने के लिए इससे पहले अनलॉक करना है, अभी इसको बड़ा करने के बाद इसको फिर से लॉक करना है। सो अभी ये रेडी है पोंछने के लिए।
और ये वाला लीवर को अनलॉक करने के बाद ही आप इस बास्केट में ये मॉप स्टिक को स्पिन कर सकेंगे कुछ इस तरह। सो टाइम टू टेस्ट, यहाँ पे मैंने बकेट में थोड़ा पानी लिया है, अभी देखिए ये पानी कैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे स्पिन करने के बाद देखिए ये किस तरह से पानी बाहर में फेंक रहा है, और आप अभी देखिए कि यहाँ से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं टपक रहा है, मतलब ये एकदम से ड्राई हो गया है, मतलब पूरा ड्राई नहीं, ये 80 से 90% तक ड्राई हो जाता है। सो 48 inches तक इसको एक्सटेंड किया जाता है, देखिए ये इसे आप खड़ा रह के ही इसे पोंछ सकते हैं, आपको झुकना नहीं पड़ेगा पोंछने के लिए, और हैंडल की मदद से आप लोग इस वाले बकेट को इधर से उधर लेके जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, यहाँ से आप लोग पानी ड्रेन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया प्रोडक्ट के साथ, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।